ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को ट्रांस बाउंड्री ब्रह्मपुत्रा को ट्रांस बाउंड्री रिवर भी बोला जाता है। ट्रांस बाउंड्री मतलब आप समझ गए, ट्रांस बाउंड्री मतलब इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, तीन बाउंड्रीज को क्रॉस करती हुई निकलती है। अच्छा, इसको ब्रेडेड रिवर भी बोला जाता है। ब्रेडेड रिवर, किसी को पता है ब्रेडेड क्या होता है? ब्रेडेड रिवर, BRAIDED, एनीवन? नहीं सर, अच्छा, ब्रेडेड का मतलब, मतलब हाँ बताओ बताओ। जैसे पूरी धारीदार समथिंग लाइक वैसा सा होता है इसका मीनिंग सर, ब्रेडेड लाइक। नहीं, ब्रेडेड रिवर बेसिकली एक ऐसे बोलते हैं ना, गुथा हुआ कुछ चीज को, हम जैसे चोटी को चोटी को हम ऐसे क्रॉस करके करते रहते हैं ना, गुथ देते हैं। तो स्मॉल स्मॉल चैनल्स से नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, मतलब सीधी फ्लो नहीं करती, बहुत सारे चैनल्स में बढ़ते हुए चली जाती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रेडेड रिवर। तो इट इज़ अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ ब्रेडेड रिवर। और इसका संस्कृत नाम, ओल्ड पुराना संस्कृत नाम है लोहित्या। और वहाँ पे जो बोडोज होते हैं, नेटिव इनहेबिटेंट्स, जो ट्राइब्स होती हैं जिनको बोडोज बोलते हैं, वहाँ पे एक लोकल नाम है भुल्लम बुथुर। भुल्लम बुथुर जिसका मतलब है मेकिंग अ गर्गलिंग साउंड, बहुत गड़गड़ाते हुए फ्लो करती है। इसी से आगे चल के ये भुल्लम बुथुर से आगे चल के ब्रह्मपुत्रा बन गई। ठीक है, इसकी लेंथ लेंथ एक्चुअली आपको बहुत सारी बुक्स में अलग अलग मिलेगा, कहीं 2900 मिलेगा, एनसीईआरटी में 28,080 है, और किसी बुक में आपको 30,080 मिलेगा, तो वेरी करता है। तो आप एनसीईआरटी का याद रख सकते हैं, और एक जो मोस्ट कॉमन है 3080 किलोमीटर, एनसीईआरटी में 2880 किलोमीटर, समवेयर अराउंड 3000 के आसपास ये है। लार्जेस्ट है, नाइन्थ लार्जेस्ट बाय डिस्चार्ज, इसके अंदर जितना पानी लेके चलती है, डिस्चार्ज करती है, उस हिसाब से वर्ल्ड में नाइन्थ लार्जेस्ट रिवर है। और लंबाई के लॉन्गेस्ट के हिसाब से देखोगे तो 15th लॉन्गेस्ट रिवर ही है। अब बात करते हैं इसकी ओरिजिन की। तो ओरिजिन वही इसका कैलाश रेंज से होता है, वहाँ पे जो ग्लेशियर है। अब एक्चुअली इसके दो व्यू पॉइंट है, तो मैं आपको दोनों बता देता हूँ। जो मोर कॉमनली है वो चेमायुंदुंग ग्लेशियर है कैलाश रेंज में, ठीक है, जो मानसरोवर लेक के पास में ही है। तो ये आपको मोस्टली ये चेमायुंदुंग ग्लेशियर बुक्स में मिलेगा, बट एक न्यू ओपिनियन भी आजकल आ रहा है जिसमें इसको बोला गया है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर तिब्बत में है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको मिलता है, चेमायुंदुंग ग्लेशियर या आंगसी ग्लेशियर, बोथ आर करेक्ट। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या है। नेक्स्ट है, जब ये तिब्बत में होती है, अब इस ब्रह्मपुत्रा रिवर को हम बोल रहे हैं ब्रह्मपुत्रा, मगर ये तिब्बत में इसको किसी और नाम से जाना जाता है। तिब्बत में जब ये फ्लो करती है तो इसको बोलते हैं यारलुंग सांगपो, है ना, YARLUNG, यारलुंग सांगपो, TSANGPO, यारलुंग, यारलुंग सांगपो तिब्बत में बोला जाता है। अब ये तिब्बत जो हमारा हिमालयाज है ना, उसके पैरेलल पैरेलल रन करती है, तिब्बत से और हिमालय के पैरेलल रन करती है 1200 किलोमीटर तक। तो करीब करीब 1200 किलोमीटर तक पैरेलली हिमालय के जाएगी, और फिर एकदम से साउथ टर्न लेगी। जब एकदम से साउथ टर्न लेगी तो एक बहुत डीप गॉर्ज बनाती है हिमालय के पास, है ना। और भी स्पेसिफिक लोकेशन बताऊं तो नामचा बरवा, नामचा बरवा जो माउंटेन रेंज थी, वहां पर ये साउथ टर्न लेती है और डीप गॉर्ज बनाती है। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से सर, हाँ, जैसे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, इसका क्या नाम होता है? ब्रह्मपुत्र, चलो मैं बताता हूँ। दिबांग सर, दिबांग। नहीं, दिबांग नहीं होता। जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में उमेर अपना, हाँ, जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसको बोला जाता है सियांग रिवर, SIANG, ठीक है। अभी एंटर करते ही इसका नाम सियांग रिवर होता है। फिर ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के प्लेन्स में जाती है, अभी ये पहाड़ी पे थी ना, एंटर मारा था इसने जस्ट, फिर ये जैसे ही थोड़ा सा प्लेन में जाती है तो इसको बोला जाता है दिहांग रिवर, DIHANG। अब इस दिहांग रिवर में ये
थोड़ा सा नीचे फ्लो करेगी 35 किलोमीटर नीचे की तरफ, साउथ की तरफ, दिहांग रिवर। तो इसमें दो और रिवर आके मिल जाती है, एक होती है दिबांग और एक होती है लोहित। तो जब ये दोनों इसमें आके मिल जाती है, तीन रिवर बन गई, दिहांग, दिबांग, लोहित, तब इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, और ये दिहांग, दिबांग, लोहित जिस पॉइंट पे मिलती हैं, वो पॉइंट पता है किसी को? अच्छा, वो पॉइंट होता है सदिया टाउन। सदिया, सदिया एक टाउन है जो कि असम में है। तो असम में ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम ब्रह्मपुत्रा नहीं था। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर मारती है तो इसको सियांग रिवर बोला जाता है। फिर ये जैसे ही थोड़ा सा प्लेन में जाती है तो ये बन जाती है दिहांग रिवर। फिर इस दिहांग रिवर में जब दिबांग और लोहित आके मिलती हैं तो ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है असम के अंदर। ठीक है, सर आपने तो इसी का ही कहा था कि पुराना संस्कृत नाम लोहित है मेरे ख्याल से, तो लोहित नहीं, लोहित्या। वो लोहित्या था। हाँ, लोहित नदी तो बड़ी फेमस है। जब आप, अगर आप कभी जेएनयू आओ दिल्ली में, तो यहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स हैं ना, ये सब नदियों के नाम पे है। चंद्रभागा हॉस्टल, लोहित हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल, गोदावरी हॉस्टल, कृष्णा हॉस्टल, कावेरी हॉस्टल। तो यहाँ पे आपको सारी नदियों के नाम याद हो जाएंगे। तो अभी किसी को मौका मिले तो जरूर से आना जेएनयू में। तो सर आप जेएनयू में ही हो गए या वहां से पास आउट? मैं वहां से पास आउट हो चुका हूँ। तो ब्रह्मपुत्रा ये बनी असम में। अब क्या है ब्रह्मपुत्रा के बारे में, और क्या खास आपको जाननी है कि अच्छा, ये जो दिबांग और लोहित है, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। कई, क्योंकि ये बहुत फेमस रिवर हैं, तो आपको पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मपुत्रा की लेफ्ट बैंक मेन ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। तो वो जाएगी दिबांग और लोहित, लेफ्ट साइड से आके मिलती हैं, तो ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है। अब क्या होता है कि जैसे ही थोड़ा सा आगे चलेगी ये, तो डिब्रूगढ़ और लखीमपुर जो कि आसाम में है, तो जैसे ही डिब्रूगढ़ एक साइड आता है, एक साइड लखीमपुर आता है, ये रिवर क्या करती है, दो हिस्सों में अलग अलग टूट जाती है। दो हिस्सों में टूट जाती है और करीब 100 किलोमीटर तक अलग अलग रहती है, फिर वापस से आके जुड़ जाती है। तो एक हिस्सा ऊपर वाला हो जाता है, एक हिस्सा नीचे वाला हो जाता है। ऊपर वाला हिस्सा हो जाता है नॉर्दर्न रीजन, नीचे वाला हो जाता है सदर्न रीजन। तो नॉर्दर्न वाले को बोलते हैं खैर कुटिया चैनल, दो चैनल में डिवाइड हो गई। सदर्न वाला होता है वो ब्रह्मपुत्रा चैनल है। अब खास बात क्या है, जब ये डिवाइड हो गई तो इसके ऊपर आइलैंड बन जाता है। और उस आइलैंड का नाम पता है किसी को? बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है। माजुली वेरी गुड, माजुली आइलैंड है, जो कि लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का। तो ये यहाँ पे बन जाता है इनके बाइफरकेशन से। जब ये नॉर्थ और साउथ में चैनल में डिवाइड हो जाती हैं, जो कि करीब करीब 100 किलोमीटर तक चलेंगी और वापस से फिर ब्रह्मपुत्रा बन जाएगी। तो ये जो आइलैंड बनता है, ये होता है माजुली रिवर आइलैंड है। ठीक है, अब गुवाहाटी जैसे ही पहुंचते हैं, गुवाहाटी भी आसाम में ही है, तो गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्रा शिलोंग प्लेटू आता है ना, तो वहां से अलग अलग पार्ट्स में कट हो जाती है। तो ये एक आपको ध्यान रखना है कि गुवाहाटी में ये ब्रह्मपुत्र रिवर कट कट होकर के बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बिकॉज ऑफ द प्लेटू, प्लेटू रीजन। अब क्या होता है, इस यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि मुगलों के टाइम में यहाँ पे क्या, असम में जब उस टाइम पे किंगडम था, उसको बोलते थे अहोम किंगडम, या आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो यहाँ पे एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ सराईघाट। अब इसमें खास बात क्या है कि ये यहाँ पे, अब आपको पता है रिवर है, तो ये पूरा का पूरा बैटल नेवल वॉर था, मतलब पानी में ही लड़ा गया था। ठीक है, इतनी स्टोरी समझ में आई? सर किस किस के बीच में हुई थी और ये बैटल सर? मुगल, मुगलों और अहोम किंगडम, उस टाइम पे अहोम किंगडम होता था। तो ओके सर। और सर जीता कौन था सर इसमें? कौन जीतेगा बताओ? मुगली बैटल ऑफ सराईघाट। आपको ईयर पता है कौन सी ईयर में हुई थी? क्योंकि ये बैटल ना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। आपको ज्यादातर जब अंग्रेज आते हैं तो वही वाली इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ये हमारे इंडिया पे कब्जा करते हैं। ये आई थिंक अराउंड 1670s
के अराउंड हुई थी, 1670-71 के आसपास में हुआ था। और सर 1671 हाँ 1671 में हुआ था। और जीता कौन था इसको? सर मुगल राजा कोई आ, आ, पता नहीं नहीं, अहोम ही जीते थे। अहोम जीत गए थे इसमें, सर। अहोम लोग जीत गए थे इसमें से। अहोम सर, अहोम सर, हाँ यस सर, तो अहोम सोलह जल्दी सौ इकहत्तर में जीते हुआ था और अहोम लोग जीत गए थे उस टाइम पे। बिकॉज उन लोग का पानी के अंदर ज़्यादा वो था, मुगल आर्मी इतना, क्योंकि मुगल आर्मी क्या थी, वो टेरेन पे, मतलब ज़मीनी लड़ाई तो अच्छे से लड़ लेती थी, मगर उनको पानी के अंदर प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली में अहोम की जो आर्मी थी वो वीक थी, बट उन्होंने मुगल आर्मी को डिफीट कर लिया, क्योंकि अहोम के पास उस समय डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होते थे, गुरिल्ला वारफेयर करते थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस अच्छी थी, तो इन सब वजह से वो लोग जीत गए थे। सर। बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, हाँ, किसका स्पीकर ऑन है? शुभम का मेरे ऑन का है, क्या नाम, शुभम का ऑन है, मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ तो अभी अभी ठीक है? यस सर, यस सर। ओके तो हम देख रहे थे ब्रह्मपुत्र। अब क्या होता है कि तो इंडिया के अंदर बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश और असम के अंदर आती है, उसके बाद ये निकल जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश की तरफ। तो जब ये बांग्लादेश में जाती है, बांग्लादेश के प्लेन्स में जाती है, तो साउथ की तरफ टर्न करती है। गारो हिल्स के नीचे असम के पास में जो जगह है, धुबरी नाम है, धुबरी, तो उसी के जस्ट नीचे गारो हिल्स से टर्न मारती है और बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। और बांग्लादेश में एंटर करने के साथ ही इसकी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होती है, तीस्ता, जो कि आई थिंक सिक्किम साइड से आती है, तो वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसमें ज्वाइन कर देती है तीस्ता। तीस्ता के ऊपर तो बहुत वो भी है, तीस्ता वाटर सिस्टम, इस पर बहुत प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जल विवाद है ना जल सर। विवाद है ना बेसिकली इस पर। तो तीस्ता राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की। और क्या है इसमें, हाँ, अब इसकी कुछ रिवर्स हैं जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखनी है। तो लेफ्ट बैंक में अगर देखेंगे तो किसी को पता है कोई नाम? सर लोहित, लोहित बताए थे सर जो अभी कुछ, हमने और आपने दिहांग, बताया था ना, लोहित और दिबांग। और हाँ, दिबांग तो लोहित दिबांग बताया था, उसके अलावा, और राइट उसके बैंक अलावा, उसके अलावा सर बराक नदी भी एक है कोई, और एक सर सत्र नासा या कुछ करके, ऐसी नासा करके कुछ है सर, संकोच है, याद संकोच। देखो, संकोच। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? सुबनसरी, कमेंग, मानस, संकोच, ये सब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और लेफ्ट यस बैंक मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट बताई थी, देवांग और लोहित। लोहित। हाँ, और भी हैं बट ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और इसमें आपको जानना है, सर इसको सर बांग्लादेश में जमुना के भी नाम से जानते हैं सर, हाँ, जब जब ये ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना बोलते जमुना। हैं, जुमना या जमुना बोलते हैं। अब जैसे ही बांग्लादेश में जाती है ना, तो अब ये जमुना बन गई, तो जमुना में तीस्ता ज्वाइन करती है राइट राइट साइड में। और जैसे ही ये जमुना आगे चलती है, जब इसमें तीस्ता ज्वाइन कर गई, तो इसमें पद्मा ज्वाइन कर जाती है ना? हाँ सर, जमुना और पद्मा जहाँ पे मिलती है सर, वहाँ पे इसका नाम फिर सर मेघना हो जाता हाँ, है। इट्स, और फिर ये मेघना मेघना बन जाती है, और मेघना बे ऑफ बंगाल में फ्लो कर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे खास बात क्या है कि रिवराइन आइलैंड बनता है, मजुली आइलैंड, ये इम्पोर्टेंट है, बट आजकल ये मजुली आइलैंड में बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है, तो उसमें थोड़ा सा खतरा हो गया है रिवर इरोजन के कारण। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रिवर वैली प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट हम कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एक है लोकटक हाइडल प्रोजेक्ट। तो लोकटक कहाँ पर है आपको पता ही होगा, लोकटक लेक भी है, पता है किसी को? लेक तो मणिपुर सर वेर, मणिपुर में है ओके। हाँ, तो ये लोकटक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी मणिपुर में ही होगा।
और इसमें बस, और इसमें कोई खास बात है नहीं, हो गया आपका ब्रह्मपुत्र भी खत्म। अब सर वन क्वेश्चन, हाँ सर ब्रह्मपुत्रा रिवर इंडिया में कितने स्टेट से होकर पास करती है? दो ही हुए ना, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। सर देन मणिपुर में प्रोजेक्ट कैसे है सर, रिवर वैली प्रोजेक्ट? मणिपुर में प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसको डाइवर्ट किया होगा या डैम बनाया होगा, है ना? नहीं तो सर इसी पे ही ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही बनाया हुआ है वो, जो मणिपुर में प्रोजेक्ट है जो। अब ये एग्जैक्टली देखना पड़ेगा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। लोकटक हाइडल प्रोजेक्ट, हाइडल पावर प्रोजेक्ट। नहीं रिवर दूसरी है, बट आई थिंक है ना ये फेड बाय खुंगा एंड इम्फाल रिवर। तो ये आगे चल के कहीं ब्रह्मपुत्रा में मिलती होंगी या गिरती होंगी ना, इसलिए इसको बनाया गया। मैं अभी देख लेता हूँ इसका पूरा चैनल। खुंगा रिवर, ये आई थिंक ब्रह्मपुत्रा में कहीं आगे जाके मिलती होंगी। चलो मैं इसको चेक कर लूँगा फिर बताऊँगा आपको। बट ये ब्रह्मपुत्रा एज सच ओके दो दो सर, अलग रिवर हैं ये, जो कि मणिपुर इम्फाल रीजन में ही आती हैं और उसी रीजन को वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती हैं। चलो मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे हैं इसके, और नागालैंड, मणिपुर, असम, मिजोरम, सिक्किम सबसे जुड़े हैं। बट ये एक्चुअली रिवर वैली प्रोजेक्ट हैं विच इज़ रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्रा, सम हाउ रिलेटेड टू ब्रह्मपुत्रा या उसकी किसी ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि तो रिवर्स की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं, तो वो कोई ट्रिब्यूटरीज को लेकर के वहाँ पे बना दिया जाता है। ब्रह्मपुत्रा की कोई डिस्ट्रीब्यूटरी भी है? ब्रह्मपुत्रा की डिस्ट्रीब्यूटरी तो नहीं है आई गेस, किसी को याद है? शायद मैंने पढ़ा था सर, शायद ये बांग्लादेश में एंटर करने के बाद। बांग्लादेश में एंटर करने के बाद हो सकती है। कौन सी? नाम याद नहीं आ रहा है सर, लेकिन एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि पद्मा से जाके मिलती है तो वो तो और जमुना फिर वो मिलती है। पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और फिर वही पद्मा आके इसकी दूसरी दूसरी डिस्ट्रीब्यूटरी सॉरी यमुना में मिलती है और तो दोनों मेघना बनके वो वही तो उत्तराखंड में जमुना और मिलती पद्मा रिवर होगी ना, अगर वैसे बोलोगे है। तो यस इसकी। यस यस हाँ, लेकिन इससे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटरी है जो कि जाके पद्मा में मिलती है और वो दोनों पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है और पद्मा फिर जाके जमुना में मिलती है और दोनों मेघना के नाम से उबे और बंगाल में जाती है ऐसा, लेकिन उसका नाम याद नहीं आ रहा है सर क्या देखो है। पद्मा में जो है वो जमुना ही मिलती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है, और जमुना में तीस्ता ज्वाइन करती है। अब ये तीस्ता जाकर के पद्मा में मिलती है, पद्मा पद्मा में आगे चल के मेघना मिल जाती है। तो ये है सिस्टम। तो आप बोल सकते हो जमुना एंड पद्मा हो सकती हैं। बट एक अच्छा इसमें कंफ्यूजन पता नहीं सर, ये मुझे भी नाम इसका याद नहीं आ रहा अच्छे एक्चुअली से। ब्रह्मपुत्रा को ही जमुना बोलते हैं ना, तो जमुना यस जमुना तो नहीं होगा, फिर पद्मा हो सकती है इसमें। फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको कि इसकी हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है। हाँ सर, लेकिन और मुझे ये नहीं आ रहा। हाँ बोलो। सर और ये इंडस और ब्रह्मपुत्रा में से दोनों में से बड़ी कौन सी रिवर है सर? इंडस मतलब वो हमारी सिंधु सिंधु नदी ना, तो यस इंडस का मैंने कितना बताया था आपको, लेंथ बताई थी इंडस की? सर 3,000 समथिंग। इंडस की लेंथ 3,000 तो ब्रह्मपुत्रा की है ना। सर ये लेंथ के अकॉर्डिंग बताया बोल रहे हैं या ट्वेंटी मतलब फाइव कि थाउजेंड 100 होते हैं। सतलज पूछ, आप कौन सी पूछ रहे हो? इंडस ना, यस सर इंडस की लेंथ, इंडस लेंथ। अब ये पूरा पूरा देखना पड़ेगा ना, इंडस रिवर की लेंथ इंडिया में भी आ सकती है। सर, मैंने पढ़ा था सर लूसेंट में ही सर, लूसेंट का बुक था सर, उसमें ये दोनों का जो लेंथ है सर लगभग सेम है सर, हाँ लगभग सेम ही उन्नीस है, इसका 3,180 है, और मैंने इसका बताया था आपको, ब्रह्मपुत्र का आपको बताया था अराउंड 3,000, तो दोनों का लगभग लगभग सेम है।
है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा में 2880 है, जबकि इंडस का है 3180, और इवन 3180 किलोमीटर से। हाँ, और इवन ब्रह्मपुत्रा का भी मैंने जो आपको मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा है वो 3080 लिखा है, तो 100 किलोमीटर का डिफरेंस है ना, तो लगभग लगभग सेम ही है। इंडिया की और लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? जैसे एक तो वो आपने कहा था ना, एक तो लेंथ में लॉन्गेस्ट और पानी के हिसाब से लार्ज, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट कौन कौन सी बनेगी सर? इंडिया की लार्जेस्ट रिवर हो जाएगी आपकी गंगा होगी, इंडस ही होगी लॉन्गेस्ट रिवर इंडिया की। गंगा ज्यादा बहती है सर। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट मतलब होता है जिसमें लंबाई सर, लॉन्गेस्ट में लंबाई सर, लॉन्गेस्ट में तो गंगा ही, गंगा का सर 25-25 है, 2525 दो लॉन्गेस्ट हजार 225 है। लॉन्गेस्ट मैंने क्या बताया था आपको इन टर्म्स ऑफ, कितना दूरी तय कर रहा है नदी? हाँ तो फिर दूरी तो इसकी इंडस की हाँ और उसकी ज्यादा, गंगा से लॉन्गेस्ट नहीं, भी ज्यादा है। लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट होती है लंबाई, तो लंबाई में देखोगे तो गंगा होगी फिर। गंगा यस। हाँ और सर फिर यहाँ पे एक चीज और आ जाता है कि मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं या अदर कंट्री का भी बात कर रहे हैं, ये चीज भी नहीं, इंडिया की इसके। बात, अच्छा वो इंडिया के लिए पूछ रहा था, अच्छा है ना, इंडिया में लॉन्गेस्ट हो जाएगी आपकी गंगा। या सर क्योंकि ब्रह्मपुत्रा, वो बाहर, क्योंकि उसके लिए वो बाकी कंट्रीज में भी आ रहे हैं जो 3000 किलोमीटर में, तो हाँ इंडिया, हाँ इसलिए, हाँ सही ठीक है। बोल रहे हो। और सर और जो लार्जेस्ट जैसे आप कह रहे हो वॉल्यूम के हिसाब से, उसमें वो भी गंगा ही होगी या वो कौन सी हो, कोई और होगी? तो वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो सिंधु हो सकता है सर, उसमें इंडिया गंगा इतनी लार्जेस्ट रिवर ज्यादा पल में ये ट्रेवलिंग कर इंट्रा रहा है तो उसमें कि क्या क्या तो गंगा ही होता है वैसे। क्या क्या बोल रहे हो? गंगा जो है सर, तो भारत के ज्यादातर क्षेत्र में सर वो ट्रेवलिंग करते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है सर, नहीं तो नहीं इसी से ब्रह्मपुत्रा होगी वॉल्यूम के हिसाब से। गंगा सुनो तो सुनो गंगा सुनो में ही होना चाहिए सुनो सर। सुनो वॉल्यूम के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा होगी और लेंथ के हिसाब से गंगा होगी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा वॉल्यूम वाइज लार्जेस्ट है और गंगा लेंथ वाइज है। ब्रह्मपुत्रा तो सर तीनों देश के अंदर में आती है ना सर, गंगा सिर्फ अपना भारत के अंदर में आती है हाँ सर, बट है ना? पानी देखो, ब्रह्मपुत्रा में बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, है ना, और ये और उसमें जो भी नदियां आके मिलती हैं वो हिमालयन रीजन से आती हैं, तो जब हिमालयन रीजन से आती हैं तो बहुत सारा पानी लेके आती हैं। तो वॉल्यूम के हिसाब से मैंने बताया था ना कि ब्रह्मपुत्रा लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बताया था ना, इसी का होता है ब्रह्मपुत्रा का। तो वैसे बुक्स में तो यही लिखा है, फिर भी अगर किसी को और कोई डाउट है तो मैं एक बार और क्रॉस चेक कर लूंगा। सर ये मैंने भी कहीं सुना था कि ब्रह्मपुत्रा कोई लार्जेस्ट, तभी हुई ठीक है, लार्जेस्ट यही होगी फिर वॉल्यूम के हिसाब से भी। वॉल्यूम के हिसाब से ब्रह्मपुत्रा है और लेंथ के हिसाब से ये हो जाएगी अपनी गंगा। और सर वर्ल्ड की लेंथ के हिसाब से नाइल है ना सर, हाँ नील इंडियन नदी, नाइल हाँ दैट इज लॉन्गेस्ट। और यस। ये सर आई हैव वन मोर क्वेश्चन हाँ सर, वो सबसे बड़े रिवर आइलैंड का नाम एक बार फिर से बताएंगे आप? मार्जू माजुली, MAJULI, मजुली। सर यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर दो स्ट्रीम्स में बट जाती है हाँ अराउंड 100 किलोमीटर्स के लिए सर, उनका कोई स्पेसिफिक नेम है या नहीं है? बताया था ना, नॉर्दर्न पार्ट का नाम था क्या, खैर कुटिया चैनल, खैर ब्रह्मपुत्र कुटिया चैनल, और सदर्न पार्ट का था ब्रह्मपुत्रा चैनल। ही है, हाँ ब्रह्मपुत्र चैनल। हाँ हाँ सर बताया। ठीक है। तो और सर ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है वॉल्यूम के हिसाब से? वर्ल्ड की लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अमेजन वॉल्यूम, नदी है तो अमेजन है, अमेजन है। हाँ ठीक है। अलोंगेस्ट में नील है। हाँ यस ठीक है। अब आगे चलें, पेनिनसुलर पढ़ लें। सर ब्रह्मपुत्र चौड़ी में आ जाएगी ना सबसे अधिक? हाँ यही है, चौड़ी में अधिक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, मैंने चौड़ी, और चौड़ी है तभी उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा हो गया पानी का। हाँ नहीं वॉल्यूम तो नहीं हो सकता, हाँ देखना पड़ेगा। क्या क्या ब्रह्मपुत्र में कोई ब्रिज अभी तक नहीं बनाया जा सका है। हाँ ब्रह्मपुत्रा में ब्रिज, ब्रिज कैसे बनाएंगे? ये नदी बहुत वैसी है ना, असम में तो है सर, एक असम में असम में एक एक रेल का बनाया पुल है। हाँ असम में एक बनाया बना है, है, पुल है वो ब्रह्मपुत्र पर ही तो है। अच्छा असम में एक पुल बना है, सही बोल रहा है ये। अच्छा मैंने सुना था कि इसके
मतलब उसका मिट्टी जो है ना सर किनारे किनारे से वो कटता जाता है, तो इसीलिए शायद उसमें कोई ब्रिज नहीं बना हुआ ऐसा कुछ। नहीं, जहां पर ये प्लेन्स में आएगी वहां तो बना ही सकते हैं ना। 6 ब्रिजेस हैं एक्चुअली असम के अंदर ही, इसके बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस हैं। तो एक है, एक तो बहुत बढ़िया है, धोला सदिया ब्रिज है ना, बहुत 9.15 किलोमीटर तक है ये, और ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया गया और लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर। ओके 2017 में इसको बनाया था और इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है। इसको सर पीएम दोबारा नाम बोला, धोला धोला सदिया ब्रिज, धोला सरिया सदिया सदिया SADI सदिया, DIY है ये ना। रेलवे ब्रिज है ना सर, रेलवे ब्रिज, ब्रिज है ये इस मतलब उसपे उसे रेलवे क्रॉस करती है सर, वो ट्रांसपोर्ट जैसे सर ये होता है बस गाड़ी ये सब के लिए है। आई थिंक नॉर्मल ब्रिज है ये, रेलवे ब्रिज तो ऐसे कुछ नहीं है। एक से कंफर्म एक नहीं सेकंड एक सेकंड, धौला सदिया सोचने दो मुझे। रेल ब्रिज है, रेल ब्रिज है ये। हाँ, रेल और रोड दोनों है, रेल और रोड दोनों है। हो सकता सर, ऊपर नीचे से रेल डबल या डबल टेकर टाइप से कुछ, डबल डेकर शायद। हाँ हाँ, फिर और एक ब्रिज है, बोगीबील ब्रिज डिब्रूगढ़ में, हाँ बोगीबील, ये रेल कम रोड ब्रिज है। फिर और एक है, मैंने बताया था ना सराय घाट पे लड़ाई हुई थी, तो एक सराय घाट ब्रिज भी है। तो ऐसे हैं, बट धोला सदिया लेटेस्ट वाला है जिसको लॉन्गेस्ट है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी जब 2017 में इनॉग्रेट किया था तो काफी न्यूज में था ये। ठीक है, लोहित रिवर पे बनाया गया है जो कि ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, धोला सदिया। और इसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं, उन्हीं के, आई थिंक वो उनकी डेथ वेथ हो गई थी तो उनके नाम पे रख दिया था इसको, है सर ना। चलो अब आ जाते हैं पेनिनसुलर वाले पार्ट पे, पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम पे। ठीक है, तो पेनिनसुलर इंडिया ड्रेनेज सिस्टम, ये एक्चुअली ओल्डर, हिमालय से भी ओल्डर कंसिडर किया जाता है। और इसमें वेस्टर्न घाट के अंदर जो वो पानी होता है वो डिवाइड हो जाता है पेनिनसुलर इंडिया के अंदर, मतलब वेस्टर्न घाट का जो रिवर्स होती हैं वो पेनिनसुलर इंडिया में चली जाती हैं। और जो इसका स्लोप होता है पेनिनसुलर प्लेटू का, वो ईस्ट और साउथ ईस्ट में ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द रिवर जो ओरिजिनेट करती हैं वो वेस्टर्न घाट में जब जाती हैं तो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और वो ड्रेन कर जाती हैं बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। फिर दो ऐसी रिवर्स हैं, और ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है कि आप मोस्टली रिवर्स देखोगे पेनिनसुलर इंडिया की तो वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं, मगर दो ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में चली जाती हैं, किसी को पता है? सर, एक तो नर्मदा है सर, तो नर्मदा ताप्ती है सर, दूसरा हाँ दूसरी ताप्ती है सर, नर्मदा और ताप्ती। हाँ, नर्मदा एंड तापी आर द टू मेन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विच फ्लो एक्सेप्शनली टूवर्ड्स वेस्ट एंड ड्रेन्स इन टू अरेबियन सी। और ऐसा क्यों होता है? सर क्यों? तापी है या ताप्ती है सर, वो दोनों लिखते हैं क्योंकि तापी ताप्ती तापी हिंदी में तो ताप्ती ही लिखा जाता है। इंग्लिश में होता है TAPI, तापी रिवर। ठीक है, तो नर्मदा एंड तापी रिवर उल्टी बह करके वेस्ट साइड में बह करके अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती हैं। जो मोस्टली जो रिवर्स होती हैं पेनिनसुलर इंडिया में जो अरेबियन सी में जा करके मिलती हैं, जो हमारी नर्मदा और तापी हैं, ये एस्चुरीज बनाती हैं। और इसके अलावा जो बाकी की सारी रिवर होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब यहाँ पे दो चीज़ आपको बार बार देख सुनने को मिलेगा, डेल्टा और एस्चुरी। तो डेल्टा और एस्चुरी में हमने डिफरेंस, आई थिंक डेल्टा बताया था और एस्चुरी भी बताया था। बताओ एक बार डेल्टा क्या होता सर है? डेल्टा जहाँ पे सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का मिलन होता नहीं, वो है, डेल्टा नहीं वो होता। एस्चुरी एस्चुरी हाँ इसमें सॉल्ट वाटर और सर डेल्टा सर जहाँ पे सब नदियाँ वो वृद्धावस्था में आ जाती है और वहां से सर मुहाना बनाते हुए वो बे ऑफ बंगाल में जो गिर जाती है। हाँ ठीक है। तो डेल्टा का मतलब जब रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है तो वो जितना भी डिपॉजिट लाई होती है उसको इकट्ठा कर देती है। तो इकट्ठा इकट्ठा करते करते वो डेल्टा का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एक तरह से वहाँ पे लैंड टाइप सा बन जाता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा।
और एस्चुरी आपको बताया था रिवर वाटर और फ्रेश वाटर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एस्चुरी बन जाती है। बट एस्चुरी रिवर वाटर फ्रेश वाटर या साल्ट वाटर? रिवर वाटर और मैंने क्या बोला, रिवर वाटर और सॉल्ट वाटर। हाँ एस्चुरी देखो डेल्टा में क्या होता है कि उसके माउथ पर डिपॉजिट्स हो जाते हैं है ना, बट एस्चुरी में ऐसा नहीं होता, उसके माउथ पर डिपॉजिट नहीं होते हैं क्योंकि उस वहाँ पे रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो मुहाने पे वहाँ पे इकट्ठा कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एस्चुरी बन जाती है। अब पहली रिवर उठा लेते हैं गोदावरी। गोदावरी को बोला जाता है क्या, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं है ना, वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, ओल्ड गंगा, क्यों, बिकॉज ओल्ड गंगा इसका एज साइज और लेंथ के कारण। अब इसका ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से होता है गोदावरी का, ओरिजिन पता है किसी को? सर ये महाबलेश्वर से सर? नहीं सर ये अमरकंटक से होता है क्या सर? नहीं, अब क्या बचा, अब क्या बचा, सर क्वेश्चन क्या है, गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? गोदावरी गंगोत्री। अरे क्या बात कर रहे हो, नहीं गंगोत्री से नहीं। सो के उठे हो क्या अभी अभी, अभी अभी सो के उठे हो क्या? ध्यान नहीं आ रहा। अरे पेनिनसुलर में है, हम ऊपर नहीं है, नीचे है। ऑप्शन दे दो तो बता दूंगा मैं सर। हाँ हम साउथ साइड में है भाई, ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है। सर मैंने ये पढ़ा है लेकिन रिकॉल नहीं हो रहा ना। हाँ मुझे भी पढ़ा है सर, आप ऑप्शन दे दो। अच्छा सुनो सुनो, एक एक वेस्टर्न घाट में नासिक के पास एक जगह है त्र्यंबक। हाँ तो ये त्र्यंबक से ओरिजिनेट होती है, और ये क्या होते हैं, ये जो डेल्टास बनाती है ना उसमें हम नेविगेशन कर सकते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट रिवर होती हैं, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इम्पोर्टेंट है इंद्रावती, पनहिता, पूर्णा, दूधना, मांजरा, बट गोदावरी की ज़्यादा मतलब सदर्न साइड में जाते हो तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, ये नॉर्थ वाली की आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक पूछ लेते हैं बट यहाँ नहीं पूछते हैं साउथ वाली में। तो गोदावरी आपको याद रखना है लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिणी गंगा बोलते हैं, और ओरिजिन इसका होता है त्र्यंबक जो कि वेस्टर्न घाट में है नासिक डिस्ट्रिक्ट में। सर ये आपने कहा कि हम इसके डेल्टास में नेविगेशन कर सकते हैं, वो क्या मीनिंग सर, उसका समझ नहीं आया। नेविगेशन का मतलब इसके जो डेल्टास बनते हैं ना, जनरली क्या होते हैं जो डेल्टास बनते हैं आप वहां पे नाव वगैरह से जा नहीं सकते, नेविगेट नहीं कर सकते, बट ये जो डेल्टा बनाती है वो वहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हो, उसके अंदर घूम सकते हो नाव के थ्रू है ना, यानी सर डेल्टा के चारों ओर निरीक्षण कर सकते हैं। हाँ उस पानी के अंदर जहाँ भी डेल्टा होता है उसके थ्रू आप जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो। और अभी जब आप इसे डेल्टा ही बताते तब तो आप कहते थे कि मिट्टी इतनी डिपॉजिट हो जाती है कि लैंड जैसे ही बन जाता है, आप कह रहे थे। हाँ हाँ तो ये डेल्टा, डेल्टास देखो, डेल्टास के चारों तरफ तो पानी होता है। अच्छा सर डेल्टा और मतलब ये आइलैंड दोनों एक ही चीज है या अलग है? अलग अलग है। आइलैंड देखो, आइलैंड और डेल्टा में क्या डिफरेंस है, डेल्टा आइलैंड कहाँ बनते हैं? समुद्र में। समुद्र में ही बनते हैं आइलैंड, वहाँ पे बनते हैं जहाँ पे दोनों नदियाँ नीचे दोनों मिल जाते हैं, फिर ऊपर की ओर भी मिलते हैं, और बीच में जो खाली स्थान होता है अलग अलग दोनों नदियाँ होती हैं वहीं पे तो आइलैंड बनते हैं सर। देखो डेल्टा बनते, अभी हमने एक रिवराइन आइलैंड पढ़ा था मजूली आइलैंड, वो कैसे बना था सर? नदी अचानक चलते चलते सर रास्ते में दो मार्ग बना लेती है और फिर कुछ दूरी तय करने के बाद फिर पुनः मिल जाती है और फिर वो यस जबकि डेल्टा में ऐसा नहीं होता। रिवर आइलैंड जो बनते हैं वो आप बोल सकते हो इनसाइड द सी ही बनते हैं, और वो क्या हो जाते, क्या हो सकता है थोड़ी दूर तक जाके कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो आइलैंड हमेशा दो रिवर्स को इनक्लोज करेगा है ना, उनके एरिया को इनक्लोज करेगा, मगर डेल्टा ऐसे नहीं बनता। डेल्टा कब मिलता है, जब वो रिवर कहाँ सी में जाकर के मिलने वाली होती है तो उसके मुहाने पर ला करके मिट्टी जमा कर देती है, तो वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके सर ठीक है नेक्स्ट। हाँ कृष्णा रिवर, कृष्णा रिवर सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, और ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी तो फिर बे ऑफ बंगाल में जाएगी। ओरिजिनेट, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका? महाबलेश्वर। हाँ महाबलेश्वर यस, इसका ओरिजिन महाबलेश्वर से होता है,
और इस रिवर में इसकी दो मेन ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। और इस रिवर में बहुत सारी और रिवर्स ज्वाइन करती हैं, जैसे कोयना, कोयना हॉस्टल है जेएनयू में इसलिए याद है मुझे, गर्ल्स हॉस्टल है, और कोयना है, वरना है, पंचगना है, घना प्रभा है, माल प्रभा है, दूध गंगा है, मूसी है। तो इतनी सारी आपको याद नहीं रखना है, बस एक वो दो तुंगभद्रा और भीमा याद कर सकते हो। यूपीएससी भीमा भीमा कोयना भी है, रिवर कोयना वरना ये भी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो आप याद कर लो, तुंगभद्रा और भीमा। उसके अलावा कोयना वरना ये सारी भी हैं, बट मेन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट पूछते हैं वो है तुंगभद्रा और भीमा, ठीक है। गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, अब आ गई महानदी। महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है सर? ये अमरकंटक से होती है सर। हाँ, ये होती है अमरकंटक से। और ये रिवर कहाँ फ्लो करती है? उड़ीसा में फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती हैं। और इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं सेवनाथ, हसदो, मंद, इब, जोंकिंग, टेल। तो उतना नहीं है इम्पोर्टेंट, बट आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। यहाँ पे एक आइलैंड बनता है, पता है किसी को? पैरादीप। पैरादीप के बारे में सुना? सुना तो है पैरादीप। नाम सुना है सर? नाम सुना है, बहुत कुछ पता नहीं। चलो मैं बताता हूँ आपको, पैराडीप उड़ीसा में ही होता है, और एक्चुअली पोर्ट है ये, बंदरगाह है ना। तो एक सेकंड, इस पोर्ट के बारे में कुछ खास बात, डीपेस्ट पोर्ट है ऐसी कुछ है ये मुझे। महानदी बनाती है सर पैराडीप। हाँ, पोर्ट उसी के ऊपर, महानदी पे है ये बंदरगाह। महानदी रिवर जब बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है ना, तो वहीं पे बनता है ये। जी सर। तो पोर्ट ही याद रख लो बस, ये नेचुरल पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है पैरादीप, और महानदी पे बनता है ये, उड़ीसा के अंदर जो है। अब देखो पोर्ट में भी आपको इंडिया में पूछे जाते हैं, इंडिया में टोटल पोर्ट्स कितने हैं? एक होता है मेजर पोर्ट और एक होता है माइनर पोर्ट। तो कई बार पूछ लेते हैं मेजर मेजर पोर्ट्स इंडिया में कहाँ कहाँ हैं, तो वो ऑफकोर्स कोस्टल एरियाज में होंगे। तो जो जो कोस्टल स्टेट्स हैं ना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोर्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। तो कभी पोर्ट डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे उसकी। तो उड़ीसा में पैरादीप है। फिर आ जाओ कावेरी। गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, महानदी हो गई, अब है कावेरी। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से है? ब्रह्मगिरी, जो कि कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, कुर्ग COORG, कर्नाटका में है ये, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अब इसमें एक खास बात क्या है, कावेरी में भी बहुत जल विवाद है। कावेरी का पानी जो है वो साल भर इसमें फ्लो करता रहता है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर से भरता है, जो कि साउथ वेस्ट मानसून से आ जाता है इसके इसमें, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से भी आ जाता है इसके लोअर कैचमेंट में, जो कि तमिलनाडु में है। साउथ वेस्ट मानसून से अपर कैचमेंट में भरता है, जो कि कर्नाटका में है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से लोअर कैचमेंट में भरता है, जो कि तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसमें और क्या खास बात है कि कहाँ कहाँ फ्लो करती है, कौन कौन से स्टेट्स में, मतलब कावेरी जल विवाद किस किस स्टेट्स के बीच में है, ऐसे भी पूछ सकते हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच। और बताओ कोई, और कोई? कावेरी जल विवाद कौन कौन से स्टेट्स के बीच में है? यही है सर, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही है। सही आंसर दो। केरला और तमिलनाडु, वो तो दोनों है ही आपके, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके अलावा केरल भी है, आंध्र प्रदेश होगा फिर इसके अलावा। नहीं नहीं केरल भी है, केरल और तमिलनाडु भी है सर। तेलंगाना भी है क्या? क्योंकि नहीं नहीं तेलंगाना नहीं है। तो एक्चुअली जो कावेरी जल विवाद है वो मोस्ट मेनली दो स्टेट्स के बीच में, तमिलनाडु और कर्नाटका।
बट क्योंकि इसका पानी केरला में भी जाता है और कर्नाटक में भी जाता है। अगर आपको दो ऑप्शन में ये मिलेंगे तमिलनाडु और कर्नाटक, तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब मेन इशू यहीं पर है। सर पश्चिम चेरी में भी है क्या? क्योंकि 41% इसका कर्नाटक में होता है और 56% तमिलनाडु में होता है, 3% जो है वो केरला में होता है। ठीक है, तो मेन जल विवाद जो है वो इसका आपका कर्नाटका और तमिलनाडु में। क्या बोल रहे हो आप, किसी का कोई क्वेश्चन था? पश्चिम चेरी में भी है क्या विवाद ये? नहीं नहीं पौंडीचेरी, पश्चिम चेरी क्या होता है? सर वही पौंडीचेरी, सॉरी। नहीं पौंडीचेरी में नहीं है। ठीक है सर, ये बताना परसेंटेज वाइज जो आपने कहा था 41% का है और 41% बेसिन इसका कर्नाटका में होता है और 56% बेसिन तमिलनाडु में होता है, इसीलिए इन्हीं दोनों स्टेट्स के बीच में ज्यादा प्रॉब्लम है। बाकी तो है क्योंकि पानी नीचे तक भी जाता है केरला कर्नाटका में, बट वो इतना उसमें नहीं करते, फंसते नहीं है। मेन जो इश्यू है वो इसी का ही है। सर पहले ये नदी कर्नाटका में जाती है ना, फिर तमिलनाडु में जाती है। अच्छा किसी ने पुडुचेरी भी बोला था, पुडुचेरी बोला था ना? यस सर। तो तमिलनाडु कर्नाटका केरला पुडुचेरी, अगर ये आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, मतलब स्टेट तो तीन हो गए, सही होगा, तीन स्टेट तो तीन हो गए और एक यूटी हो गया, यूटी आपका पुडुचेरी है। यस सर। है ना, तो तमिलनाडु कर्नाटका तो मेन है, बट अगर केरला आता है तो वो भी ठीक है और पुडुचेरी आता है तो वो भी ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, बहुत सारी चीजें हुई हैं इसमें, तो पूरा आंसर राइटिंग आता है इसके यूपीएससी के अंदर। ठीक है किसी को, हाँ कोई क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था कहाँ से ओरिजिनेट होती है? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि पहले ये तमिलनाडु में जाती है ना फिर कर्नाटका में, सॉरी कि पहले कर्नाटका में जाती फिर तमिलनाडु में, कर्नाटका से होती है तमिलनाडु में आती है ना, और कुछ पार्ट इसका नीचे केरला में चला जाता है और फिर ये बे ऑफ बंगाल में जब ड्रेन करती है तो वहाँ पुडुचेरी में भी चली जाती है। ठीक है ओके। तो ट्रिब्यूटरी नहीं है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, और इसमें आपको याद नहीं रखना है, सिमसा है, कबिनी है, हरंगी है, अकरावती है, हेमावती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बट आपको जनरली नॉर्थ साइड वाली ट्रिब्यूटरीज ज्यादा पूछते हैं, साउथ वाली रिवर्स की नहीं पूछते हैं। साउथ वाले अगर आप साउथ स्टेट्स का किसी का स्टेट का पीएससी दोगे तो उसमें पूछ सकते हैं, बट यहाँ ऐसे नहीं पूछते हैं, यूपीएससी के अंदर नहीं पूछते हैं। वैसे तो बहुत ही कम ही पूछते हैं, जो इम्पोर्टेंट कहीं विवाद होता है या किसी करंटली न्यूज में आई होती है उसी का ही पूछते हैं, जनरली सबका नहीं पूछते हैं। ओके तो अब ऐसा करेंगे कि कल नेक्स्ट क्लास में ना हम इनका जो हमारा